हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एंतानानारीवो का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि जो कुछ भी हम एक्सप्लोर करेंगे मैं वो आपको दिखाती जाऊंगी। वैसे तो ये फोटोज़ और वीडियोस 26 दिसंबर की हैं, तो इन्जॉय कीजिए वीडियो को। जब हम घूमने गए थे अभी जो गया है 2020, तो इस जगह का नाम है अंदासीबे और एंतानानारीवो से ये बाहर है। देखिए कितना सुंदर लॉज है और इस लॉज का नाम है लेमूर्स लॉज। इतना सुना था इस जगह के बारे में, बहुत सुंदर है, तो जाके पता चला वाकई में बहुत बहुत अच्छी जगह है। और ये रात की उस लॉज की कुछ फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी सुंदर दिखता है रात को भी, बट दिन में जो ग्रीनरी जो होती है ना उसका कुछ अलग ही अपना एक वो है। और ये स्विमिंग पूल था वहाँ पे, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखिए रात के टाइम में। और ये मेरे हस्बैंड इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी पूल में, पूल बहुत पसंद है इनको और बीच भी बहुत पसंद है। वो बाकी जब भी हम जाएंगे कभी बीच पे तो वो दिखाऊंगी। तो ये वहाँ का अंदर का जो व्यू था हमने वो इस वीडियो में कैप्चर किया हुआ है चारों तरफ का। वैसे जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ बारिश का टाइम था, मेडागास्कर में दिसंबर में बारिश का टाइम होता है, तो लेकिन चलो उस दिन बारिश नहीं आई तो हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा। और ये देखिए चारों तरफ कितनी ग्रीनरी, इतना मतलब इतनी शांति थी उस जगह पे, ऐसा लग रहा था कि बस जैसे यहीं पे रह जाएं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति, इतनी अच्छी जगह है और ग्रीनरी इतनी देखने को मिल रही है। मतलब सच में इंजॉय करनी चाहिए ऐसी चीज़ें अगर हमें ऐसी देखने को मिले तो। और ये सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड ने एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी जो बिल्कुल खोए हुए हैं नेचर में। और ये साइकिलिंग की थी, मैंने भी की थी बट मैंने चलो अपनी फ़ोटो नहीं डाली। और काफ़ी मज़ा आया था हमें साइकिलिंग करके, एक गाँव सा था आगे हम वहाँ पर गए थे। और मेरे हस्बैंड के दोस्तों ने सरप्राइज़ दिया था क्योंकि इनका बर्थडे था उस दिन 26 दिसंबर। मैं घर पे दे चुकी थी सरप्राइज़। और ये है नेक्स्ट वीडियो की एक छोटी सी झलक। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं आपको जंगल की सैर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ छोड़ रहा है यार? और देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी आप इंजॉय करना, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।